तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज हुई NXT और साथ ही AEW डायनामाइट शो के बारे में, जो कि दोनों ही शो खत्म हो चुके हैं। और सच में दोनों ही शो में मजा आ गया काफी ज्यादा। मतलब कुछ ऐसी चीजें देखने मिली जो कि शायद हमने सोची नहीं थी। NXT में भी शो के मेन इवेंट में काफी ज्यादा मजा आया, साथ ही AEW में भी हमें एरिक बिशॉप देखने मिले, वहां पर भी काफी सारी बड़ी बड़ी चीजें हुई। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज की NXT और AEW डायनामाइट के बारे में, दोनों ही शो के बारे में बात करेंगे। तो दोनों शो की सारी बातें होने वाली हैं इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और लाइक जरूर कर देना। तो गाइस फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस बात करें सबसे पहले NXT के बारे में, तो गाइस वहां पर शो की ओपनिंग में मैच हमें देखने को मिला था, वो था रिया रिपली वर्सेस डकोटा काई की भी, जो कि था नंबर वन कंटेंडर का मैच। यहां से जो भी जीतता वो टेक ओवर 30 में फेस करता इयो शिराय को उनकी वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। तो मैच की बात करें तो दोनों ही वुमेन्स के बीच काफी ज्यादा अच्छा मैच हमें देखने को मिला। दोनों की तरफ से काफी अच्छे अच्छे मूव्स हमें देखने को मिले, मजा आ गया। और डकोटा काई की तरफ से हम काफ़ी हफ्तों से ऐसा देख रहे हैं, जो काफ़ी टाइम पहले उनके साथ रकेल गोंजाल्विस आया करती थी, वो हमें देखने को नहीं मिल रही है। अब पता नहीं क्यों नहीं देखने मिल रही है, क्या डकोटा काई का फेस टर्न हो गया है? फेस टर्न तो वैसे हुआ नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं देखने मिल रही हमें। लेकिन मैच की बात करें, मैच दोनों के बीच अच्छा देखने मिला। लास्ट में तो ऐसा लग रहा था कि इस मैच को रिया रिपली जीत जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम उन्होंने इस मैच में बना लिया था। लेकिन तभी उनके ऊपर अटैक करती है मर्सिडीज मार्टिनेज, वो आके उनको उनके ऊपर अटैक करती है, चूँकि रेफरी देख नहीं पाता। तो इसी के चलते लास्ट में जो है वो डकोटा काई की इस मैच में जीत हो जाती है, डकोटा का ही नंबर वन कंटेंडर बन चुकी है। और इनका जो मैच है वो भी टेक ओवर 30 के लिए अनाउंस हो चुका है। और मैच के बाद हम देखते हैं कि मर्सिडीज मार्टिनेस आके मैच के बाद भी अटैक करती हैं रिया रिपली के ऊपर, तो इनके भी शायद स्टोरी लाइन में आगे मतलब फ्यूड इनकी कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे। अगला मैच हमें देखने को मिलता है वो था ब्रॉन्जन रीड वर्सेस सेन थॉन के बीच। अब इनके भी ज़्यादा कुछ मतलब खास मैच था नहीं, मतलब ब्रॉन्जन रीड का हमें पता है वो तो टेक ओवर के उस लैडर मैच के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। तो इन सिंपली सेन के बीच हमें मैच देखने को मिला था, कह सकते हैं सेन थॉन ने फिर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी हद तक टक्कर दी ब्रॉन्जन रीड को, लेकिन इस मैच को उनको जीतना तो था नहीं, तो इस मैच में ब्रॉन्जन रीड की लास्ट में जीत हो गई। अगला मैच हमें देखने को मिलता है एक ट्रिपल थर्ड मैच, जो कि था उसी क्वालिफाइंग मैच था लैडर मैच के लिए, जो कि था डैमियन प्रिस्ट वर्सेस ओनी लॉर्कन वर्सेस एक और कोई सुपरस्टार थे जिनका नाम था रिच हॉलैंड। तो इनके बीच हमें ट्रिपल थर्ड मैच देखने को मिला, और ये वाला मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मतलब कह सकते हैं आज का मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा मैच लगा। मुझे तो ये वाला मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, जहाँ पर तीनों सुपरस्टार की तरफ से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने मिली, काफ़ी अच्छे अच्छे मूव्स हमें देखने मिले, मतलब मज़ा आ गया इस मैच में। और इस मैच में तो मुझे लग ही रहा था कि इस मैच में डैमियन प्रिस्ट की जीत होगी, क्योंकि बाकी के दोनों सुपरस्टार मुझे इतना लग नहीं रहा था कि वो ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। मतलब मैच तो अच्छा दिया लेकिन उनका जीतने का चांस मुझे कम लग रहा था। तो यहाँ पर डैमियन प्रिस्ट की जीत होगी, जहाँ पर उन्होंने अपने लास्ट में अपना फिनिशर दिया ओनी लॉर्कन को, और इस मैच को पिन करके यहाँ पर उनकी जीत हो गई। अगला मैच हमें देखने को मिलता वो था हमारा NXT चैंपियन कीथ ली, जहाँ पर वो फेस कर रहे थे कैमरन ग्राइम्स को। तो जैसे कि लास्ट वीक हमने इनके बीच मतलब थोड़ा बहुत मतलब अटैक वगैरह देखा, तो इसके बाद इनका मैच हमें देखने को मिला था, और मैच भी यहाँ पर आप देख ही सकते हो मतलब क्या कॉम्पिटिशन है कीथ ली और कैमरन ग्राइम्स का। फिर भी यहाँ पर भी कैमरन ग्राइम्स ने काफ़ी कुछ मतलब अच्छे अच्छे मूव्स दिए, काफ़ी हद तक उन्होंने परेशान कर ला कीथ ली को। लेकिन इस मैच में तो लास्ट में जब कीथ ली ने अपना स्पिरिट बॉम्ब दिया कैमरन ग्राइम्स को, और यहाँ पर उनकी जीत हो गई। और मैच के बाद हम देखते हैं एक बार फिर से स्क्रीन के ऊपर ही आते हैं कैरिन क्रॉस, जहाँ पर फिर से उन्होंने एक और मतलब मैसेज सेंड करा कीथ ली को। तो हर बार हमें स्क्रीन के ऊपर ही देखने मिल रहे हैं, अभी तक रिंग में इनका आमना सामना हुआ नहीं है, क्योंकि अभी कह सकते हैं इनका मैच भी अनाउंस हुआ नहीं है टेक ओवर 30 के लिए। वैसे लग तो रहा है यही वाला मैच जाएगा, लेकिन देखते हैं कब ये वाला मैच मतलब WWE की तरफ से कंफर्म होता है, WWE कब तक इस मैच को अनाउंस करती है। इसके बाद हमें देखने मिलते हैं हमारे क्रूजर वेट चैंपियन सैंटोस एस्कोबार या फिर फैंटास्मा आप उनको बोलो, तो हम उनका देखते हैं कि मतलब वो फंडांगो को रिंग में लेके आते हैं। मतलब उससे पहले हमें दिखाया जाता है जो इनका ग्रुप है वो ब्रिजांगो को उठा के ले आता है, उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब कर देते हैं फंडांगो की, उसके बाद वो रिंग में आते हैं, बताते हैं कि जो लूचा लिब्रे कल्चर है कितना ज़्यादा मैटर करता है। मतलब काफ़ी हफ्तों से हम देख रहे हैं, मतलब काफ़ी टाइम से मतलब जब से वो चैंपियन बने हैं, लूचा लिब्रे कल्चर के बारे में बताते हुए जा रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो टायलर ब्रीज हैं वो भी यहाँ पर आते हैं, लेकिन वहाँ पर भी वो कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, उनको भी मतलब जो उनका ग्रुप है वो मार देता है। तो देखते हैं आगे चल के जो एस्कोबार हैं या फिर बोले फंटाजमा का अगला अपोनेंट कौन होने वाला है उनके क्रूजर वेट टाइटल के लिए। काफ़ी टाइम से हम देख रहे थे ड्रेक मैवरिक इनके साथ फ्यूड में चल रहे थे, लेकिन अब शायद वो तो हमें देखने को मिल नहीं रहे हैं। तो शायद फंडांगो और साथ ही टायलर ब्रीज में से शायद इनका कोई अपोनेंट निकल के आए, तो इनका भी देखना होगा आगे चल के क्या देखने को मिलता है। अगला मैच हमें देखने को मिला था वो था टीगन नॉक्स वैसे इंडी हार्डवेल के बीच। अब ये मान लिया मैच बिल्कुल भी ज़्यादा कुछ खास था नहीं, बिल्कुल भी ज़्यादा कुछ इस मैच में था भी नहीं, इस मैच को बड़ी आसानी से टीगन नॉक्स ने जीत लिया। और मेन इवेंट की बात करें तो वहाँ पर मैच हमें देखने को मिला था NXT टैग टीम चैंपियनशिप के लिए इंपीरियम वैसे अनडिस्प्यूटेड एरा के बीच, और यहाँ पर हम देख रहे थे जो कॉमेंट्री के ऊपर थे वो थे पैट मैकफी ऐसा, जो कि हमने इस मतलब कुछ हफ्तों पहले इनकी सोशल मीडिया के ऊपर कह सकते हैं इनके इंटरव्यू में देखा था एडम कोल, और इनके साथ मतलब क्या कुछ मतलब धक्का मुक्की हो गई थी वहाँ पर इनके इंटरव्यू में, तो वो भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इससे साफ पता चल रहा है WWE जो एडम कोल साथ ही वो पैट मैकफी की मतलब स्टोरी लाइन फ्यूड कंटिन्यू कर रही है, मतलब इनकी फ्यूड बना रही है आगे चल के।
और मुझे लग रहा है इनका मैच भी हमें शायद टेक ओवर 30 में देखने मिलेगा। जहाँ पर इस मैच की बात करें, मैच तो अच्छा जाती है, लेकिन मैच के बाहर रिंग साइड पे हम काफ़ी कुछ देखते हैं, जहाँ पर वो कमेंट्री पे बैठे हुए होते हैं, एडम कोल उनके पास चले आते हैं। एडम कोल को शायद ज़्यादा कुछ पसंद आता नहीं है वो कमेंट्री जो दे रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं एडम कोल जो पानी की बोतल होती है उसको उठा के उनके मुँह पर मार देते हैं। उसके बाद इनके बीच मतलब फिर से मतलब धक्का मुक्की चालू हो जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं काफ़ी सारे रेफरीज वहाँ पर आते हैं, शॉन माइकल्स वहाँ पर आते हैं, ट्रिपल एच वहाँ पर आते हैं, और इनका कुछ ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पर्सनल हो चुका है। मतलब अगर आप इसको मतलब फ्यूड ना देखो, स्टोरी लाइन नहीं देखो, तो ऐसा लग रहा है ये एक रियल फाइट है। और मैच की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर जब एडम कोल लड़े आते हैं तो वहाँ पर अनडिस्प्यूटेड एरा के मेंबर भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर इंपीरियम की जीत हो जाती है। और फिर हम देखते हैं जो पैट मैफी हैं वो भी अटैक कर देते हैं एडम कोल के ऊपर, जहाँ पर उन्होंने अटैक करा और एडम कोल की तो हालत ख़राब हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रिपल एच भी यहाँ पर थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं, जहाँ पर वो भी धक्का वगैरह मार देते हैं पैट मैफी को। और यहीं आज का एनएक्सटी का एपिसोड खत्म हो जाता है। आप कह सकते हैं एनएक्सटी का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने मिला, मतलब जो लास्ट में मेन इवेंट में कॉन्ट्रोवर्सी देखने मिली तो मुझे तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। बात करें AEW डायनामाइट के बारे में तो वहाँ पर शो की ओपनिंग में मैच हमें देखने मिला था, वो था 12 मैन टैग टीम मैच, जो कि था यंग बक्स, FTR, हैंगमैन पेज, कैनी मेगा, वो फेस कर रहे थे पूरी डार्क ऑर्डर की टीम को। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा मैच था, टैग टीम मैच था। AEW के पता है हमें टैग टीम मैचेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के जाते हैं, बढ़िया जाते हैं, एक्शन पैक होते हैं। तो बिल्कुल ये वाला मैच भी बिल्कुल वैसे ही था, जहाँ पर काफ़ी कमाल का मैच हमें देखने मिला। सारी तो इस मैच में बेस्ट टैग टीम थी, तो बिल्कुल बेस्ट मैच जान ही था ये, तो काफ़ी अच्छा मैच था। इस मैच के रिजल्ट की बात करें तो लास्ट में हम देखते हैं जो हैंगमैन पेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसमें मतलब फाइट लड़ते हैं, उनको टैग करने का मौका ही नहीं मिलता इस मैच में। तो लास्ट में यहाँ पर जो ब्रोडी लिए हैं वो पिन कर लेते हैं हैंगमैन पेज को, और यहाँ पर डार्क ऑर्डर की टीम की जीत हो जाती है। तो यहाँ पर हैंगमैन पेज के साथ जहाँ पर मुझे लगा कि लास्ट में उनको टैग करने का मौका नहीं मिला, तो शायद यहाँ पर आगे चल के कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। अगला मैच हमें देखने मिलता है वो भी एक टैग टीम मैच था, जहाँ पर बेस्ट फ्रेंड वर्सेस सैंटाना ओटिस का मैच हमें देखने मिला था। अब ये वाला मैच भी कह सकते हैं स्टार्टिंग में जा रहा था, मुझे लग रहा था ज़्यादा कुछ खास करेगा नहीं, लेकिन लास्ट तक आते आते इस मैच में भी काफ़ी तगड़ा एक्शन हमें देखने मिला, मतलब मज़ा आ गया। मतलब AEW के हर एक टैग टीम मैचेस मतलब बेकार जा ही नहीं सकते, या फिर जाते ही नहीं है, मतलब लगता है कि बेकार जा रहा है, लेकिन लास्ट तक आते आते वो टैग टीम मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है और बिल्कुल मजबूर कर देता है कि हम उसको मतलब बेकार बोल ही नहीं सकते। तो बिल्कुल यहाँ पर ये वाला मैच भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मैच के रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर इस मैच को लास्ट में हम देखते हैं बेस्ट फ्रेंड ने मतलब एकदम से पिन कर लिया था सैंटाना को, ओटिस को पिन करा था शायद, तो यहाँ पर उनकी जीत हो गई। तो कह सकते हैं ये वाला मैच मतलब बिना मतलब का था, जैसे कि हम देखते हैं WWE के अंदर भी मतलब कुछ बिना मतलब के मैचेज होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी बिना मतलब का मैच था कुछ, मतलब चैंपियनशिप यहाँ पर नंबर वन कंटेंडर कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन फिर भी कह सकते हैं मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमें देखने को मिला था। अगला हमें देखने को मिलता है एक और टैग टीम मैच, मतलब यहाँ पर एक और टैग टीम मैच आ गया था। टैग टीम मैचेस पर से मतलब टैग टीम मैचेस के बाद टैग टीम मैचेज आ रहे थे, जो कि था कोडी एंड मैट कार्डोना, यानी कि जैक राइडर, वो फेस कर रहे थे डार्क ऑर्डर के दो मेंबर को। और यहाँ पर कह सकते हैं मैट कार्डोना का पहला मैच था, जैक राइडर का पहला मैच था AEW में, उनके डेब्यू का मैच था, तो उनका ही देखना था क्या मतलब कैसा पूरा सीन रहता है AEW रिंग के अंदर। काफ़ी टाइम से उन्होंने रसल करा नहीं था, मतलब 3 महीने से, तो वो जब से WWE ने उनको निकाल ही दिया था तब से घर पर बैठे थे बस, और वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो वैसे ही घर पर बैठे थे, तो मतलब इनका ही देखना था इनको कितना क्या मतलब इतनी टाइम बाद रसल कर रहे हैं, तो मतलब कैसी क्या रिंग में परफॉर्मेंस रहती है। और बिल्कुल कमाल की परफॉर्मेंस थी, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर इन्होंने ही अपना फिनिशर मारा, इन्होंने ही लास्ट में पिन करा, तो यहाँ पर इनकी लास्ट में जीत हो गई कोडी और मैट कार्डोना की। अब आगे चल के देखना होगा कोडी और मैट कार्डोना की क्या टैग टीम ही आगे चलने वाली है, या फिर मतलब मैट कार्डोना सिंगल्स में AEW में जाने वाले हैं। अगला एक कमाल का सेगमेंट हमें देखने मिलता है, जो कि था क्रिस जेरिको ऑरेंज कैसिडी का डिबेट का सेगमेंट। यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का सेगमेंट था, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कौन आने वाला है इसको मॉडरेट करने के लिए, एरिक बिशॉप आने वाले हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर जस्टिन रॉबर्ट्स अनाउंस करते हैं जो मतलब स्पेशल मॉडरेटर होने वाले हैं वो एरिक बिशॉप होने वाले हैं। एरिक बिशॉप यहाँ पर आते हैं, बिल्कुल उनको देख के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया। और बिल्कुल भी यहाँ पर मतलब क्या था, वो 5 क्वेश्चन पूछने वाले थे दोनों ही सुपरस्टार से, और एक एक करके उनको डिबेट करना था, अपना आंसर वगैरह देना था। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि न्यूज़ चैनल वगैरह में हम देखते हैं दोनों पार्टीज़ की भी डिबेट चलती है, जो होता है होस्ट वगैरह वो मतलब क्वेश्चन वगैरह पूछता है, तो वैसा कोई सीन हमें यहाँ पर देखने मिला था, जहाँ पर एरिक बिशॉप क्वेश्चन पूछ रहे थे और हर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्रिस जेरिको ही दे रहे थे। और उसके बाद क्रिस जेरिको के मतलब आंसर के बाद यहाँ पर एरिक बिशॉप रिस्पॉन्स पूछते ऑरेंज कैसिडी से, तो उनका कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आता। क्रिस जेरिको बोलते इसके पास कोई आंसर ही नहीं है, तो हर क्वेश्चन के बाद हमें ऐसे कुछ देख रहे थे। और इस सेगमेंट को आप खुद ही जाके देखो तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, मतलब एक्सप्लेन मैं उतने अच्छे से कर नहीं पाऊंगा जितना आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और एक सीन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, जो कि एक क्वेश्चन ही था, वहाँ पर वो
एरिक बिशॉप जो है वो कुछ मतलब सी राइजिंग लेवल वगैरह के बारे में कुछ मतलब अलग ही मतलब ज्ञानी वाला क्वेश्चन उन्होंने पूछा वहाँ पर, जो कि सुनने में अच्छा है बस जान समझने लायक वो है नहीं है। जहाँ पर क्रिस जेरिको उसका आंसर देते नहीं है, वो बोलते हैं तुम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो, लेकिन ऑरेंज कैसिडी उसका आंसर देते हैं। इससे पहले ऑरेंज कैसिडी चुपी चुप चल रहे थे, लेकिन फिर जो उन्होंने आंसर दिया इतना मतलब बोलते हुए चले गए जैसे कि आपने थ्री इडियट मूवी में देखा होगा आमिर खान जब वो टीचर के सामने मतलब बोल के चलाया था ना इंग्लिश में, तो वैसे ही यहाँ पर बोलते हुए चले गए। क्रिस जेरिको हैरानी, इसने क्या बोल दिया, मतलब ऑडियंस सारी मतलब सपोर्ट कर रही है ऑरेंज कैसिडी को, एरिक बिशॉप खुश हो गए, और बिल्कुल यहाँ पर क्रिस जेरिको को कुछ समझ में नहीं आया कि मतलब ऑरेंज कैसिडी क्या बोल दिया उन्होंने, एकदम मतलब पढ़ क्या बोल के चले गए। अरे कहना क्या चाहते हो? और इसके बाद एरिक बिशॉप बता देते हैं कि इस डिबेट को ऑरेंज कैसिडी ने जीता है, तो उसके बाद क्रिस जेरिको मतलब काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं, खुश नहीं थे वो, तो वो जैक हैगर को भेजते हैं, जैक हैगर अटैक करते हैं ऑरेंज कैसिडी के ऊपर, साथ ही क्रिस जेरिको भी अपना जुडिस इफेक्ट लगाते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं उनको बचाने के लिए बेस्ट फ्रेंड्स आते हैं, और उसके बाद तो क्रिस जेरिको और जैक हैगर वहाँ से निकल जाते हैं। तो कह सकते हैं इनका सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आप इस सेगमेंट को देखना, अगर देखा है तो बताना कि इनका सेगमेंट आपको कैसा लगा। साथ ही अगले हफ्ते इनका रीमैच हमें देखने मिलने वाला है, तो वहाँ पर देखते हैं इस मैच को कौन जीतता है। अगला मैच हमें देखने मिला था वो था बिग सोल वर्सेस रीवा के बीच। अब रीवा आपने देखा होगा ब्रिट बैकर के साथ हमें देखने मिलती हैं, शायद उनकी सेक्रेटरी वगैरह जो भी हैं उनके साथ ही रहती हैं, तो इनके बीच हमें मैच देखने मिला था। मैच भी ज़्यादा उतना कुछ खास था नहीं है, इस मैच को बड़ी आसानी से बिग सोल ने जीत लिया, और शायद बिग सोल और ब्रिट बैकर के हम काफ़ी टाइम से ऐसा कुछ देख रहे हैं, और ब्रिट बैकर अभी तो इंजर्ड हैं जैसे कि उन्होंने बता दिया था, वो ऑल आउट पेपर व्यू में आएंगे, तो शायद ऑल आउट पेपर व्यू में हमें ब्रिट बैकर वैसे बिग सोल का मैच देखने को मिल जाए। इसके बाद हमें मैट हार्डी देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आके वो सैमी गुवार के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर हमें पता है इनकी जो काफ़ी हफ्तों से हम इनकी फ्यूड देख रहे हैं चलती हुई जा रही है, तो यहाँ पर भी वो सैमी गुवार के बारे में ही बात करते हैं। पीछे से हम देखते हैं सैमी गुवारा भी आते हैं, उसके बाद हमें दोनों ही सुपरस्टार की तरफ से अटैक देखने को मिलता है, कह सकते हैं छोटी सी ब्रॉल हमें देखने मिली, जहाँ पर जो ये ब्रॉल थी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुई, जहाँ पर लास्ट में हम देखते हैं जो मैट हार्डी वो एक टेबल निकालते हैं और उसके ऊपर सैमी गुवारा को पावर ऑन टाइप से देने वाले होते हैं, लेकिन तभी जो है वो सैमी गुवारा मैट हार्डी को स्टील पोल में मार देते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, उसमें आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक आती है कि सच में उनका सर टकरा गया, और उसके बाद तो काफ़ी ज़्यादा ब्लड आता है मैट हार्डी को, और उसके बाद सैमी गुवारा मैट हार्डी को उसी टेबल के ऊपर लिटाते हैं और वहाँ से एक पावर ऑन टाइप से दे देते हैं, और यहाँ पर मैट हार्डी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो शायद इनकी जो फ्यूड है शायद इनका मैच हमें ऑल आउट पेपर व्यू में देखने मिले, तो इनकी तो यहाँ पर फ्यूड चल रही है। इस सेगमेंट में मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया। सो के मेन इवेंट की बात करें तो गाइस यहाँ पर मैच हमें देखने मिला था जॉन मॉक्सली वर्सेस डेरबी एलन के बीच, जो कि था AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, और स्टार्टिंग में हम देखते हैं डेरबी एलन ना जॉन मॉक्सली का मास्क लगा के आते हैं और उन्हीं के सामने खड़े हो जाते हैं, तो इनका मैच हमें देखने को मिला था। मैच की बात करें मैच भी दोनों सुपरस्टार के बीच अच्छा देखने को मिला, मैच के चलते हम देखते हैं जॉन मॉक्सली के भी इस मैच में ब्लड आ जाता है, और जैसे कि मैंने कहा था कि इस मैच के चलते मुझे लग रहा है MJF की कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, शायद मैच के बाद आके वो अटैक करें, लेकिन इस मैच के चलते उन्होंने अटैक करा, जहाँ पर पहले हम देखते हैं वार्डलो आ जाते हैं, और वार्डलो आ जाते हैं एक तरफ से उनको रेफरी मतलब डिस्ट्रैक्ट वगैरह कर देते हैं, रेफरी का ध्यान उधर लग जाता है, तब तक MJF रिंग में आ टाइटल से जॉन मॉक्सली को मार देते हैं, और उसका रेफरी जो कि देखता नहीं है, लेकिन फिर भी जॉन मॉक्सली की इस मैच में जीत हो जाती है, जहाँ पर लास्ट में वो अपना फिनिशर देते हैं और यहाँ पर उनकी जीत हो जाती है, और बिल्कुल जो अब मैच हमें देखने मिलेगा ऑल आउट पेपर व्यू में वो जॉन मॉक्सली वैसे MJF के बीच ही होने वाला है, जो कि लग ही रहा था। और यहीं आज का डायनामाइट का एपिसोड खत्म हो गया। तो टॉनी शो की बात करें तो AEW में काफ़ी कुछ हमें देखने मिला, जहाँ पर टैग टीम मैचेस सारी अच्छे थे, साथ ही वो डिबेट वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, साथ ही एरिक बिशॉप आई गए AEW में, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे AEW डायनामाइट लगा। साथ ही NXT में भी ट्रिपल थ्रेट मैच अच्छा था, वुमेन्स डिवीजन का नंबर वन कंटेंडर का मैच अच्छा था, मेन इवेंट भी अच्छा ही हमें देखने मिला, तो दोनों शो कह सकते हैं आज एवरेज से देखने मिले। कमेंट करके आप लोग मुझे बताना आपको आज का कौन सा शो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही गाइस इस वीडियो को लाइक भी नहीं आना, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और साथ ही शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी चैनल पर नया पहली बार वीडियो देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही उस बेल आइकन को दबा लेना जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो बस फिर तब तक के लिए ध्यान रखें अपना अपने परिवार का, तब तक के लिए मैं कहता हूँ गुड बाय।